हेलो एंड वेलकम यार गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब डूइंग यू डूइंग ग्रेट। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास है बोट के चार्जर। बोट का ये चार्जर लॉन्च हुआ है इंडियन मार्केट में रिसेंटली। 20 वोल्ट का चार्जर है, फ्लिपकार्ट से हमने परचेज किया है 700 रुपये दे के। तो देख लेते हैं चार्जर किस टाइप का है, क्या आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, कितना फास्ट चार्जिंग ये आपको प्रोवाइड करेगा एंड क्या क्या फीचर्स आपको इस चार्जर में मिलते हैं जो कि 700 रुपये आपको कॉस्ट करता है। तो चलिए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे फ्लिपकार्ट की ओर से अगेन ये बॉक्स मिलता है। परचेज किया है, कोई भी पेड रिव्यू हम नहीं करते एज ऑफ नाउ। ओके, तो देख लेंगे चार्जर क्या क्या मिलता है। तो ये आपको चार्जर का बॉक्स मिलता है जो कि एक वोल अडाप्टर है 20 वोल्ट का। तो 20 वोल्ट PD करके इस चार्जर का नाम यहाँ पे दिया गया है। तो ऑटो डिटेक्ट चार्जिंग वो हो ऑब्वियसली होती है। देन कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट दिया गया है। बोट 2 साल की वारंटी देता है, बट इसमें कुछ अमेजिंग थिंग्स हैं गाइस। वो अमेजिंग थिंग क्या है, ये इंटेलिजेंट वोट करंट मैनेजमेंट करता है। तो अगर लाइट फ्लैक्चुएट होती है देन आपके फ़ोन में डैमेज नहीं होगा। देन आपको IC प्रोटेक्शन मिलती है ओवर हीटिंग एंड ओवर वोल्टेज से एंड ओवर करंट से, तो करंट वगैरह नहीं आपको लगेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो हम इसको जल्दी से कटआउट कर लेते हैं एंड निकाल लेते हैं। तो 2 साल की वारंटी आपको बोट प्रोवाइड करता है इस चार्जर के साथ। तो हम उस चीज़ को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मिला बस एक ये सेक्शन, एक ये एंड ये, बस दैट्स इट। 2 ईयर वारंटी एंड चार्जर को हम निकालें तो काट काट के ही निकालेंगे। ओके, एंड सबसे अच्छी बात ये है आपको डेटा केबल नहीं मिलती। वो मैंने नोटिस नहीं किया डेटा केबल वाला थिंग। एंड दिखने में कुछ ये इस टाइप का चार्जर है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो गाइज़ ये है 20 वोल्ट का चार्जर। ये है आपका सैमसंग का सुपर फास्ट चार्जर जो कि एक 25 वोल्ट का है। तो ये टाइप सी महाशय लाइक दोनों टाइप सी टू सी यूज़ करते हैं। एंड मैंने वेबसाइट पे नहीं देखा था कि ये नहीं करता, बट लकीली मेरे पास टाइप सी टू सी चार्जिंग केबल है। तो हम इसको यहाँ पे लगा के चार्ज में लगा के देखते हैं कि किस टाइप से आपको चार्जिंग मिलने वाली है। तो गाइज फाइनली ये चार्जिंग में लग गया है एंड आपको बैटरी परसेंट दिख रही है 20%। तो ये ओप्पो का A5 2020 वाला वेरिएंट है। तो 20 ये काफ़ी बड़ी बैटरी के साथ आता है, आई थिंक 5000 mAh है। तो चार्जिंग में काफ़ी टाइम लेगा एंड ये सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ आपका 15 वोल्ट चार्जर। तो इन टर्म्स ऑफ चार्जिंग एंड ऑल दैट तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका चार्जर काफ़ी ठीक ढंग से वर्क कर रहा है। एंड अगर आपको ये परचेज करना है देन आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। बोट का आपको सपोर्ट मिलता है, बट अगर आपको चार्जिंग केबल साथ में मिलती तो काफ़ी अमेजिंग बात है। कुल मिला के ये चार्जर ठीक है, आपके फ़ोन को चार्ज कर सकता है। मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड गाइज ये आपको लाइक 5 वोल्ट 3 एम्पियर का आउटपुट देने में केपेबल है। मेड इन इंडिया होता तो और भी बेटर होता। एंड आप साइज डिफरेंस देख सकते हैं सैमसंग एंड बोट में, तो वो भी काफ़ी डिफरेंस यहाँ पे है। तो 700 रुपये आई थिंक थोड़ा और प्राइस है। अगर डेटा केबल के साथ आता है देन वो प्राइस कंपनसेट हो सकता है, बट अगर आप टाइप सी टू सी डेटा केबल लेने जाएंगे मार्केट में वो भी आपको अराउंड 400 to 500 rupees कॉस्ट करेगी अगर आप एक अच्छे ब्रांड की लेंगे। सैमसंग की डेटा केबल मैंने ली थी 700 rupees में। तो डिपेंडिंग ऑन ब्रांड टू ब्रांड आपको ये चीज़ें मिलती हैं, बट टोटली ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अगर आपको लेना है देन डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस मेरी ओर से। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत अनबॉक्सिंग वाला पसंद आया होगा। एंड हाँ, फास्ट चार्जिंग देने में केपेबल है, आपके फ़ोन अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं देन डेफिनेटली परचेज कीजिए। बट मोस्ट ऑफ यू का ये पर्पज सोल नहीं करेगा स्मार्ट वॉच एंड जो आपकी ईयरबड्स है वो आप चार्ज नहीं कर पाएंगे इस थिंग से। तो वो आप अपने माइंड में रखिए, स्मार्टफोन तो चार्ज नहीं होगी, ईयरबड में भी टाइप सी वाले हैं चार्ज हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय, सी यू सून।